मंदिर कितना पुराना मंदिर होगा? 2-3 साल से पुराना। ऐसा करते रहते होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ अपने हजमा चौराह के पास, आप देख सकते हैं ये हजमा चौराह है। आगे मैं इसे जो आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे शिव मंदिर है और पंडा चौराह के पास, जो कि आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा बसअड्डा के पास एक शिव मंदिर है। तो मैं आपको वहाँ का जानकारी मैं दूंगा शिव मंदिर का। आप मेरे चैनल को बने रहे, कहीं मत जाइएगा, मैं चलेंगे आगे। मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, मेरे चैनल को बन रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आप मेरे चैनल बन रहे, ये हजमा चौराहा है, आगे मैं आपको मैं जानकारी दूंगा। आप फल वाले से मंडी से आप चलिए, मैं आपको मैं दिखाऊँगा। आप जो सामने जो देख रहे हैं ये जेल है, आपको मैं शिव मंदिर का मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जो कि ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आप मेरे चैनल को बन रहे हैं, कहीं मत जाइए, आप मेरे चैनल को बने रहिए, आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा, जो कि यहाँ आपको आगे मिलेगा। यहाँ पर फल मंडी साहब भी है, ठेला पर फल भी दिखता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ सामने में फल मंडी है। आगे मैं दिखाऊंगा, पूरा जानकारी दूंगा शिव मंदिर। इसे जो देख रहे हैं ये जेल है, ये सामने जो देख रहे हैं ये बस स्टैंड है, ये सामने में जो जेल है, जेल के बगल में जो है शिव मंदिर है। हजमा चौराहे से आगे मैं चल रहा हूँ, आप सामने में जो देख रहे हैं मंदिर, मैं चलेंगे अंदर, आपको मैं दर्शन कराऊंगा और अंदर का लोकेशन में दिखाऊंगा, वहाँ का पूरा जानकारी मैं दूंगा। तो चलते आज अंदर, ये शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं सामने में, और मैं चल रहे हैं अंदर, आपको मैं दर्शन। यहाँ पे फूल पत्ती ले सकते हैं, माला ले सकते हैं, पूजा का सामान है यहाँ पे, देख सकते हैं सामने में। ये शिव मंदिर इसे कहते हैं, महंत जी है जो कि यहाँ समाधि लिए हुए थे। तो चलिए मैं अंदर कहीं और चलूँगा, मैं आपको मैं यहाँ का बाबा का जो ये शिव मंदिर है मैं आपको मैं दर्शन कराऊंगा। चलते हैं अंदर, आप देख सकते हैं ये सामने ये मंदिर है, शिव मंदिर है, यहाँ का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं आरती हो रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं। नंदी जी आप देख सकते हैं सामने में, क्योंकि भोले बाबा के सामने जो रहते हैं नंदी भवन, यही है, ये देखते हैं सामने में शिव मंदिर, इसे कहते हैं शिव मंदिर, जो कि ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। आप दर्शन करा रहे हैं आपको, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये आप सबसे पहले आपको ये पंडा सराज होते हुए पीछे, पंडा सराज से पीछे है, हजमा चौराहे से आगे थोड़ा सा आइएगा 10 कदम तो ये मंदिर आपको मिलेगा। कितना पुराना मंदिर होगा? 2-3 साल तक पुराना है। या सही बात, इसलिए जो होना चाहिए वो उसका मत नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो बार बार उसको होता है, कोई सामने में आता है। हाँ, तो लोगों को अभी रास्ता गलत नहीं है, रास्ता तो सही है, पतिविता के दर्शन जो है ये नहीं, दर्शन पतिविता के क्या है, यहाँ शादी भी होता है ना यहाँ पे? हाँ, होता है शादी। यहाँ कितना पैसा लगता है शादी का?
शादी जो कर, लड़का या लड़की का आई है शादी करने के लिए ₹2500 चार्ज है। अच्छा, चार्ज क्या है? नहीं होता है। हाँ, उसमें आपको रूम भी देना पड़ता है क्या? रूम भी लेना पड़ता होगा? रूम भी है ना शादी का, ये इसमें नहीं। आप जो देख रहे हैं सामने में, ये दुर्गा मंदिर है। जो सामने जो देख रहे हैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के ओर से लहरिया सराय की 1953 का है ये बना हुआ मंदिर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।